सोनभद्र में चौपन थाना क्षेत्र स्थित कैलाश मंदिर ओवरब्रिज स्टेट हाईवे पर शनिवार को एक पुजारी अपनी शिकायतों की सुनवाई न होने का आरोप लगाकर सूखी पेड़ के टहनियों को रखकर बीच सड़क पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें मनाकर थाने ले गई। इसके बाद टहनियों को हटवा कर यातायात बहाल रखा। लोगों के द्वारा पुजारी की मानसिकता स्थिति जो है वो ठीक ना होना बताया गया है। हालांकि उनके बीच सड़क बैठे रहने के बावजूद आवागमन जारी रहा, लेकिन दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। गणमान्यता रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घुरे है। घुरे, आप हाईवे पे क्यों बैठे हैं? क्या मेरा टिकट बता रहा हूँ, 10 बरिस से एक आदमी परेशान किया है। कौन? मुलजिम को पकड़िए, रातों दिन बेकल कर देता है, ऐसा करता है, कभी पानी भर के तो दिया देता है, मार देगा, अभी मार देगा। कहाँ पे? यहीं पर घूमता है, प्रशासन को मालूम है, उसको पकड़ के ले आइए। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं है, चोर मुलजिम है। आज मेरे को 10 साल से बकवल के पलवार से मोबाइल दिवाया हूँ, उलझन के लिए कली ले जाओ, मेरा गमछा चप्पल चुरा ले गया। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम भूले है। कहाँ रहते हैं? बनारस से रहता हूँ। यहाँ चौपन में कहाँ रहते हैं? यहाँ मंदिरवा पर रहता हूँ, सब कोई तो जानता है। मंदिर पर रहते हैं तो यहाँ क्यों धरने पर बैठ गए हैं? मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो 10 बरिस वाला है ना, उसको हल करिए, उसको पकड़ के ले आइए। प्रशासन से अवगत कराए आप लोग इस विषय पे? नहीं, हम कुछ नहीं बोला, वो लोग समझाते हैं, कैसे समझाते हैं मेरे को हल। मेरा अगर आपका मोबाइल है, क्यों नहीं मिला है ना? मोबाइल है, बहुत चाहिए ना। मोबाइल की बात नहीं है, क्यों की बात है, मेरा 10 बरिस से घूमते घूमते। आज दिनांक 22 जून 2024 को थाना क्षेत्र चौपन में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर एक वृद्ध सन्यासी बैठे हुए थे, और सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची, उनसे पूछताछ की गई तो बहुत कुछ अपने बारे में बता नहीं पा रहे हैं वो, और उनसे जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी मिली है कि वो वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं, और यहाँ चौपन थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर में विगत 10 वर्षों से रह रहे थे, और उनसे अधिक जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है, और वर्तमान में यातायात सामान्य रूप से चालू है, कोई भी समस्या नहीं है।